मेरा भारत देश जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। करते हो तो जाना। देखिए हमारा भारत देश गलती से मेरे से आ गई, दुश्मनी की चिड़िया कहा जाता है, उसमें हर व्यक्ति की भूमिका होती है। आज इसी भारत देश में हमारा ये जो उकलाना है और उकलाना की भूमि पर आज हम सब रवि पथ जो अपनी चौथी वर्षगांठ मना रहा है और तनुप भैया की बिटिया का जन्मदिन है, वही सबसे पहले तो हमारा यही धर्म बनता है कि हम सब मिलकर दिल से भाव से उनको बधाई दें और मैं चाहूंगी कि आप सभी एक बार दिल से उनके लिए तालियां जरूर बजाएं। आज मैं दूसरी बार खड़ी होकर बोल रही हूँ, आपने मुझे आज पार्टी ली और एक भजन उसके माध्यम से देखा होगा। कभी किसी पत्रकार को मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, कभी किसी मीडिया के सामने में नहीं आई, लेकिन घर में अगर पांच व्यक्ति हैं, चार व्यक्ति हैं, तो एक अवश्य जानता है। सिर्फ दो मिनट मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, कलम का क्या महत्व है। पत्रकारों ने भारत की स्वतंत्रता से लेकर आज तक जो काम किया वो आप सब जानते हो, लेकिन इस भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने में हम सबकी अहम भूमिका है। आप सबको एक पद, एक स्थान, एक जिम्मेवारी मिली हुई है और उस जिम्मेवारी को अगर हम सब ईमानदारी से निभाते हैं तो हम हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए योगदान देते हैं। जो चाहे धारा 370 हो, वो चाहे राम मंदिर हो, अगर हम सब एक अधिकार अपना मत चुनकर एक अच्छा राजा देश को नहीं देते तो ये हम सबका भी योगदान है और आप सब भी इन सब के लिए बधाई के पात्र हैं। रवि पथ आज जो अपनी चौथी वर्षगांठ मना रहा है और ये जो बच्चे आ रहे हैं वो ये कभी कभी हमसे मिलता है, ये हमेशा यही कहता है कि साथ जी मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, तो मैं कहती हूं तू करना। हर इंसान के पास दो आते हैं, दो हाथ में दो पैर है, दो आते हैं, दो घुटने हैं, दो तलवे हैं, तो गाल है। कभी कभी टीचर और माँ बाप थप्पड़ मार देते गलती करते थे, लेकिन सोचिए ना दिल एक है। दिल आप जिस समाज से, जिस घर से, जिस पद से जुड़े हो, बहुत सी मजबूरियां होती है कि ना चाहते हुए भी आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन करिए महाराज, मैं कभी किसी को मना नहीं करती, लेकिन इतना जरूर कहती हूँ कि जिस समाज, जिस पद, जिस घर में आप रहते हो, उन मजबूरियों के आगे आपको कुछ करना पड़ता है। सारा देश योग दिवस बनाता है तो आपकी साथी जी सिर्फ इतना कहती है कि हर रोज एक सहयोग दिन भी हम मनाएं, एक ऐसा काम करें जो ये दिन कहता है। देखिए अनुप जी ने कुछ दिन पहले एक अच्छा काम किया और ये पत्रकार को करना चाहिए क्योंकि आप देश को सच्चाई का इधर दिखाते हो। इन दोनों बातों को मैं साथ लेके चलूंगी। आज सारा देश गाता है काड़ा काड़ा कवे चौधरी मत काड़े का, लेकिन शायद जहां से जाती हूँ बच्चे भी प्यार करते हैं, सब सम्मान देते हैं, लेकिन ये इच्छा कोई भजन भजन मुझे गाना भी नहीं आता, सच बताऊ मुझे गाना नहीं आता, लेकिन एक दिन मैंने आज से 12 वर्ष पहले घर के बाहर एक बुजुर्ग को देखा बैठे हुए, ध्यान से सुनिएगा, पत्रकार जो दिखाता है वो देखते हो, मीडिया जो दिखाती है वो देखते हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये जो आपके अंदर एक दिल है, जो आत्मा है, जो आपको वो कहती है, दिन में एक बार उसकी सुन लिया करो। अगर मेरे गुरु जी ने, संतों ने मुझे मार्ग दिखाया है तो आपके लिए कोई भगवान होगा, लेकिन भगवान का नाम केवल सत्य है। तो उस बुजुर्ग को मैंने देखा और जैसे घर से मैं बाहर आई तो उस बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। अगर आपका दिल करता है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप भी और आपके अंदर भी एक परम शक्ति है जो किसी भी दिशा में किसी भी ओर कुछ भी कर सकती है।
जो ये इसको लोग बोलते हैं ये मर गया, ऐसा क्या निकला? और वहां से उस इच्छा से ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी कि उस लगन को ढूंढते ढूंढते मैं इस स्थान पर आ गई और ऐसे खो गई। देखिए, एक बार राजा दशरथ ने याकल्य से पूछा था कि संसार को किससे कैसे देखें। उन्होंने कहा आंखों से, और आंखें ना हो तो उन्होंने कहा कि धवन जी से देखें। अंधे व्यक्ति जो होते हैं उनको आवाज आते हैं, उधर से ही चलते हैं। तो फिर प्रश्न किया कि अगर ध्वनि भाई कानों से सुनाई ना रहे तो क्या करें? तो याकल्य जी ने कहा आत्मा की आवाज से सुनिए। किसकी आवाज से? और जो परमात्मा का अंश आत्मा सबके अंदर मौजूद है, और उस व्यक्ति के अंदर से क्या निकला उस जिज्ञासा को जानने के लिए पता नहीं कितनी समस्याएं कितने व्यवधान आए, लेकिन वो परमात्मा आत्मा के रूप में आपके अंदर है। अगर आप उसको जानना चाहते हो, देखिए उसके लिए आपको केवल एक काम तो ये करना होगा आज कि एक बार जरूर अपने दिल की सुनना, और दूसरा काम ये करना होगा कि रोज 10 मिनट ये दोनों हाथ ऐसे करके आप आराम से बैठ जाना, चाहे खड़े हो जाना, चाहे कुर्सी पे बैठना, चाहे सोना, और सांस को खुद बता दे तो शो आए 10 मिनट ध्यान देना, तब आपको दिल की आवाज सुनाई देगी। और जब दिल और आत्मा की आवाज सुनाई देगी तो जिस प्रकार अनूप ने पता नहीं कहां से घुसा, दीवार से कूदा, कहां से वीडियो बनाकर दुनिया के सामने डाल दे, क्यों? जो निडरता की डगर पे चलते हैं, जो आत्मा की आवाज सुनते हैं उन्हीं की जय जयकार होती है, और जो समस्याओं को उत्तर करते हैं उन्हीं को लोग याद करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुना दूं? मैं चाहती हूँ कि आज जैसे आप भाई के लिए तालियां बजा रहे हो, आज जैसे मेरे को सब याद करते हैं, आप सब जो यहाँ आए हो ऐसे ही आपको भी दुनिया याद करे। एक कारीगर के पास एक पत्थर आया, सुन रहे हो? जैसे ही वो पत्थर आया तो उसको आदेश दिया गया था कि इसकी मूर्ति बनानी है। चीनी हथौड़ा लेकर जब वो मूर्ति को बनाने लगा तो पत्थर कहता है, अरे रुक, मेरे को दर्द होता है, इस पीड़ा सहन नहीं होती, आप मत बनाइए। तो पत्थरकार उसने मूर्तिकार ने उसे बनाना बंद कर दिया। तो वही व्यक्ति जो मूर्ति बनाने के लिए पत्थर देके गया था, जब वो आया उसने मूर्तिकार से कहा कि तूने मूर्ति क्यों नहीं बनाई? तो मूर्तिकार ने कहा ये पत्थर काबिल नहीं है मूर्ति के। और समय का ध्यान रखते हुए दूसरा पत्थर जब वो व्यक्ति देके गया तो मूर्तिकार ने उस पत्थर की मूर्ति बना दी। अब मूर्ति जैसे ही तैयार हुई तो वो लेने आया, तो वो मूर्तिकार कहता है, भाई इस मूर्ति को तो तू लेके जा रहा है लेकिन साथ इस पत्थर को भी ले जा, ये मेरे किसी काम का नहीं। ध्यान से सुना, थोड़ी सी परेशानियां मुसीबतें जब आपके जीवन में आ जाती है तो आप घबरा जाते हो, घबराइए मत, सत्य की राह को छोड़िए मत, अपनी जिम्मेवारियों से भागिए मत। मूर्तिकार ने कहा मैं इस पत्थर का क्या, उस व्यक्ति ने कहा मैं इस पत्थर का क्या करूंगा? तो मूर्तिकार ने कहा जहां ये मूर्ति रखी जाएगी लोग पूजा करेंगे। क्यों पूजा करेंगे? क्योंकि उस मूर्ति ने चीनी हथौड़े की मार को सहन किया है। लेकिन ये पत्थर क्या काम आएगा? तो व्यक्ति कहता है मूर्तिकार कि आने वाले मूर्ति को प्रणाम करते हैं तो साथ में नारियल भी फोड़ते हैं, तो ये नारियल फोड़ने के काम आएगा। दोनों को रख दिया गया, मूर्ति की पूजा होती और जो भी आता नारियल फोड़ता तो उस पत्थर को दर्द होता, पत्थर रोता। तो एक दिन मूर्ति ने कहा अगर चीनी हथौड़े की मार को एक बार सहन कर लेता तो एक बार रोना पड़ता, अब रोज रोज तुझे ठोकेंगे और रोज तुझे रोना पड़ेगा। कोई अपनी भाषा बोलती है सबको प्यारी लगती है, तोता भी मीठा बोलता है, पिंजरे में कैद रहता है दूसरों की भाषा बोलता है। इसलिए आजाद रहिए, स्वतंत्र रहिए, अपनी भाषा अपने विचार, जो न्यूज आप देखते हो वो आपकी सोच पर निर्भर करता है।
जो चला गया वो बीत गया, जो आएगा वो पता नहीं। ना पीर से पूछ ना फकीर से पूछ, 10 मिनट आंखें बंद करके अपने नजर बदलो, नजारे बदलेंगे, खुद को बदलो, हजारों बदलेंगे और जुड़ जाइए अच्छे विचारों से, आपकी जिंदगी के सितारे बदलेंगे। बस मैं यही जानती हूँ आप किसी भी दिशा में कुछ भी कर सकते हो। देखिए इच्छा शक्ति और उसको पाने के लिए हर जीवन में व्यवधान आते हैं, समस्याएं आती है, लेकिन अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। भाई साहब के जीवन में भी इन्होंने कुछ अच्छा किया, सच्चा किया, आज मेरी और गुरु जी की तरफ से इनको भरपूर आशीर्वाद। ये ऐसे ही निरंतरता की डगर पर चले और मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि आप भी कुछ ऐसा ही करिए, कुछ मंथन कीजिए। ऐसा नहीं फेसबुक पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, लेकिन आजकल कुछ भी डाल देते हैं तो लोग उनको देखना ही कम कर देते हैं। इसलिए आपको भी बुद्धि दी है परमात्मा ने, आपको भी सोचने की क्षमता दी है, इसलिए मंथन कीजिए और सत्य जगमगा सकता है लेकिन हार नहीं सकता। और पुनः इनको आशीर्वाद देते हुए आप सबसे भी मैं यही चाहूंगी कि आप भी इस देश के नागरिक हो, आप सबकी एक अहम भूमिका है, आप सबको एक पद मिला है, लेकिन एक काम ऐसा करना जिससे दिल को खुशी हो और जो आपका दिल चाहे। और एक बार अगर मेरी बात अच्छी लगी हो ना लगी हो, जो दिल ने कहा बोल दिया, तो एक बार आप भी बोल दो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा।